Assalamu alaikum here is your host advocate Sethi and lesson number 3 is basic terms related to language and language history topic number 14 is pragmatics and historical development of a language let's have a look on introduction what is pragmatics it is a subfield of linguistics that studies the ways in which context contributes to the meaning unlike semantics विच एग्जामिज मीनिंग दैट इज़ कन्वेंशनल और कोडेड इन ए गिवन लैंग्वेज प्रेगमेटिक्स स्टडीज़ हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स ऑफ द अट्रेंस, एनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट दोज इन्वॉल्व द इनफर्ड इंटेंट ऑफ द स्पीकर एंड अदर फैक्टर्स प्रेगमेटिक्स में हम जानेंगे कि स्याकुस बाग किस तरह मायने और उसकी शक्ल को मुतासर करता है सियाक सबाक की दो अकसाम होती हैं जिसमानी और लसानी यह लसानियात की एक ज़ेली फील्ड है जो इन तरीक़ों का मताल करती है जिसमें सियाको सबाक मायनी में अहम किरदार अदा करता है सीमेंटिक्स के बरखिलाफ़ जो किसी मखसूस ज़बान में रवायती या कोडिड मायनी के मायने की जाँच करता है इसका अमली मताल इस बात का मताल करता है कि किस तरह मायनी की तरसील इस तकरीर के स्याको सबाक पर मुनहसर होती है वेयर एज समेंटिक स्टडीज़ दैट हाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चरल एंड लिंग्विस्टिक नॉलेज ऑफ द स्पीकर एंड लिसनर इन दिस रिस्पेक्ट प्रेगमेटिक्स एक्सप्लेन्स हाउ लैंग्वेज यूजर्स आर एबल टू ओवरकम अपेयर एंड एम्बिग्विटी सिंस मीनिंग रिलइज ऑन द मैनर प्लेस टाइम एट्सट्रा ऑफ एन अटरेंस अल्फाज का मतलब ये है कि मायनी की तरसील का इसार स्पीकर और सुनने वाले के सेंट्रल और लसानी इलम पर होता है इस सिलसिले में प्रेगमेटिक्स ये बयान करता है कि ज़बान के इस्तेमाल कंदा की स्याको सबाक समझने में सलाहियत कितनी है और वो किस तरह वाज अभा पर काबू पा सकते हैं चूँकि मायनी किसी बयान के अंदाज़ जगह और वक्त वगैरह पर मुनसर होते हैं रिमेंबर मीन योर प्रेयर स्टे टून फॉर नेक्स्ट मंथ स्टे सेफ कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल फ़खरे वकालत सेंड योर फीडबैक एट फ़्र वकालत एट जी मेल डॉट कॉम योर होस्ट एडवोकेट सर्विक